गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्प्रे पेंटिंग बाय टूथब्रश सिखाने जा रही हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये फ्लावर्स जो हैं तीन आकार में, एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा, इनको आप पहले बनाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। और अब इसकी हम इस तरह से डंडी बना लेंगे और फिर हम इसका इस तरह से लीफ बना लेंगे। अब इसी तरह से मैं सेकंड जो है फ्लावर ड्रॉ करूँगी। और हमें क्योंकि इसके स्टेंसेस कट करेंगे और हम एक सीनरी बनाने जा रहे हैं, तो इस तरह से मैं सेकंड जो है फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ और फिर इसकी भी एक डंडी बना दूँगी और इसी तरह से जो है लीफ थोड़ा बड़ा बना दूँगी। पहले के कंपैरेटिवली हम थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेंगे लीफ। और इसी तरह से अब मैं ये तीन साइज़ के जो है फ्लावर्स, वन और ये है टू, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। और साथ में क्या करेंगे हम, ये इस तरह से गोल जो है सूरज बना लेंगे और ये बर्ड्स बना लेंगे। ये बर्ड्स भी मैं आपको ड्रॉ करना सिखाती हूँ, ये सिंपली ड्रॉ करने हैं आपने, ठीक है। तो इनको ऐसे करके पहले हम ये सबसे बड़ा बर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा छोटा बर्ड का साइज़ लेंगे और फिर इसके बाद हम सबसे छोटा ले लेंगे। तो अब हम इसको कुछ इस तरह से कंपाइल करेंगे कि बहुत अच्छी हमारी जो है सीनरी बन जाएगी। अब इन सब चीज़ों की कटिंग करने के बाद अब हम इसे कंपाइल करेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से फूल लगाएंगे, सबसे बड़े वाला पहले सबसे, और फिर उसके बाद उससे जो छोटा है फूल वो यहाँ लगाएंगे इस तरह से, और सबसे छोटा फूल है जो वो यहाँ लगाएंगे इस तरह। और जो हमने ये बर्ड्स की, इनकी भी हम ऐसे फोल्ड करके कटिंग कर ली है, तो इनको भी हम अब इस तरह से यहाँ इसमें से निकाल लेंगे। और ये हमने यहाँ पर ये जो राउंड किया है वो हम यहाँ सन सूरज इस तरह से लगा देंगे, यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। और जो बर्ड्स हैं वो हम यहाँ पर इस तरह से उनको भी रख देंगे। ये बर्ड इस ओर उठते जा रहे हैं। तो इस तरह से अब हम जो है टूथब्रश की हेल्प के साथ इस पर कलर जो है स्प्रे करेंगे, तो तब ये हमारी इस तरह से पेंटिंग बन जाएगी। अब हम ब्रश लेंगे और उसमें इस तरह से रेड कलर लगा लेंगे। रेड कलर लगाने के बाद हम ब्रश को इस तरह से पकड़कर इस तरह हम जो है कलर स्प्रेड करेंगे।
थोड़ा सा हम प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये हमने पेस्ट नहीं किया हुआ, ये उठ जाता है, तो हम इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। अब येलो कलर लेंगे हम और उसको भी हम इस तरह से स्प्रेड करेंगे। इसी तरह से अब हम ग्रीन शेड करेंगे, उसको भी हम इस तरह से स्प्रे करेंगे। हम यहाँ पर ब्लू स्काई दिखाएंगे। थोड़ी ग्रीनरी नीचे से ग्रीनरी आ जाएगी। हम यहाँ पर ब्लू स्काई दिखाएंगे। थोड़ी ग्रीनरी नीचे से ग्रीनरी आ जाएगी। यहाँ जहाँ डिस्टेंस थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पर भी हम उसको कलर्स को मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए सूख गया हुआ है। अब हम इसको एक एक करके इनको हम उठा लेंगे और हमारी नीचे से पेंटिंग जो है वो तैयार हुई मिलेगी। हाँ जी, तो ये हमारी जो है कंप्लीट पेंटिंग है, स्प्रे पेंटिंग विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।